आज हमारे पास है एक फुटबॉल जिसका जिसका ब्लैडर है वो फट गया है, तो इस ब्लैडर को चेंज करना पड़ेगा और रिपेयर भी करना पड़ेगा। तो इसलिए हम इस फुटबॉल को अभी काटेंगे, ठीक है। काट के वो ब्लैडर निकालेंगे, देखेंगे क्या है, ब्लैडर फट गए है या खराब है। मुझे एक चाहिए, काट के और ब्लैडर निकालेंगे, हाँ। उसके बाद ब्लैडर को रिपेयर करके फिर इसमें घुसा देंगे, तो हमारा वो बॉल जो है वो ठीक हो जाएगा। तो इसको काटने के लिए हम यहाँ एक कैंची लिए है, छोटा वाला कैंची। तो यहाँ से ध्यान रखना पड़ेगा इसका साइड वो ना कटे, सिर्फ ये धागा कटना चाहिए, ठीक है। और सिलाई करने के लिए भी धागा चाहिए जो कि हमारे पास है। सिलाई है, ठीक है, दिखा दिखा। हाँ। इसको यहाँ से कटना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखो कट गया है ये धागा, अभी कट के इसको ब्लैडर जो है वो निकालना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा वो ब्लैडर में क्या खराबी है। ब्लैडर को रिपेयर करने के बाद धागा से फिर सिलाई कर देना पड़ेगा, छेद थोड़ा सा ही छेद करना पड़ेगा, ठीक है, और ज़्यादा छेद नहीं चाहिए। और ब्लैडर के ब्लैडर का वो छेद और बॉल का वो छेद जिधर लगा हुआ है उसके पास में ही ये छेद करना पड़ेगा, नहीं तो दूसरी तरफ छेद करेंगे तो ब्लैडर नहीं निकलेगा, हाँ, क्योंकि ब्लैडर और बॉल यहाँ कनेक्टेड है। ओके, अब ये ब्लैडर को हम निकाल रहे हैं और देखते हैं कहाँ। इधर देखो ना, तुम इधर देखो, सही किया हुआ है, ये तो सही है, तो हवा की ब्लैडर तो सही है लेकिन इधर हवा नहीं रुकता है। अभी पंप लेके आओ। मैं समझ गया, ये छेद इस ब्लैडर से अलग हो गया। हाँ, ये हो सकता है। तो बड़ा अभी इसको क्या कौन करता है, देखो देखो ये देखो यहाँ से फट गई है, ये देखो ब्लैडर भी खराब है, ये देखो दिख रहा है, हाँ? ये ब्लैडर खराब है इधर, इसलिए तो हवा नहीं रुकता है, समझ गए ना, समझ गए। इधर फटा हुआ है, ये देखो थोड़ा सा ही छेद है, थोड़ा सा ही छेद है और इसलिए इसके अंदर हवा नहीं रुकता है और हवा देने से सारे हवा निकल जाता है। तो इसको पहले रिपेयर करना पड़ेगा, उसके बाद जाके इसको सिलाई घुसा के सिलाई करना पड़ेगा तो ठीक हो जाएगा। ओके, तो चलते हैं हम इसको पहले ब्लैडर सही करते हैं। ओके, कैसे सही करेंगे? अभी इसको ले जाना पड़ेगा वो जो साइकिल का दुकान है ना, जहाँ वो एक मुट्ठी का दुकान है, ब्लैडर सही करते हैं वहाँ जाना पड़ेगा। ये पहले ठीक करते हैं, उसके बाद आके दिखाते हैं और सिलाई विलाई बाद में करते हैं, ठीक है। अभी इसको रख देते हैं साइड में, ब्लैडर पंक्चर है तो पंक्चर पहले रिपेयर करना पड़ेगा, उसके बाद हवा भरना, हवा डालना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो हवा फिर से निकल जाएगा, छेद से ही सब हवा निकल जाता है।
तो आपने देख ही लिया कैसे पंचर बॉल रिपेयर कर लिया हम लोगों ने। अभी इसमें हवा भरेंगे और मैं और रुबायन खेलेंगे। तो ऐसे ही आप लोग भी अपना वो कीमती बॉल जो है, फुटबॉल हो या वॉलीबॉल हो, उसे रिपेयर कर सकते हैं, उसको फेंक ना देके। और वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। भरेंगे अभी हवा, इसको पकड़ो। तो हमारा बॉल हो गया रिपेयर, अभी इसे खेलेंगे, है ना? चलो वाह। मिलते हैं नेक्स्ट कोई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।